हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जितने भी जे एस एस सी के जेई के छात्र हैं, मुझे पता है कि आप लोग आज दिन भर इंतजार किए होंगे कि जे एस एस सी जेई का एडमिट कार्ड आज देगा जे एस एस सी। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, कम से कम ज़्यादा समय बचा नहीं दोस्तों, 4 दिन बचा हुआ है, अब तो उसको दे देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अभी तक 6:45 में वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट जे एस एस सी की तरफ से नहीं आया। बताइए कितना केयरलेस एजेंसी आयोग है, मतलब इतना ढीलसिलिया काम कैसे को कर सकता दोस्तों। वो भी संवैधानिक स्टेट का संवैधानिक पोस्ट है जे एस एस सी, बताइए। इसके बावजूद भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। यदि ये अपडेट नहीं देना था, ये तो कंफर्म कर दीजिए नोटिस निकाल के, एग्ज़ाम आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं 2 तारीख से। अब हमें तो पता है, अब सभी छात्र को भी पता है कि आपने जो 2-3 दिन पहले निकाला था नोटिस, उसमें तो क्लियर कट पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यही तो लिखा हुआ था उसमें, और उसमें तो ये लिखा हुआ था कि आपका जो 5 सेंटर में आपके 5 जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, इसे तो क्लियर कट था। लेकिन यार देखिए 28 तारीख हो गया, अभी तक ना एडमिट कराया ना कुछ अपडेट आया हुआ। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो छात्रों को परेशान कर लिए? छात्र ऑलरेडी परेशान है पढ़ पढ़ के 3-4 साल से, ठीक है। आप तो एक बार एग्ज़ाम कैंसिल करा देते हैं, चोरी करवा देते हैं, सीट भेज देते हैं, ऊपर से छात्र जब मेहनत करके पढ़ रहा है तो आप लोग क्या करते हैं कि अपना एडमिट कार्ड भी नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर करके नोटिस दे दीजिए ना कि अभी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, सीधा सीधी बात है। मतलब बीच में फंसा के क्यों रख रहे हैं? आप सोचिए ना, जिसको जो बाहर से मतलब बेंगलोर, तमिल, चेन्नई वगैरह जॉब वगैरह कर रहा है, वहाँ से पढ़ाई भी कर रहा है, मुंबई, दिल्ली वगैरह जो भी है, वहाँ से कैसे आएगा उन लोग? आज देखिए 28 तारीख हो गया है, आज सोचा है आज एडमिट कार्ड दे देगा तो फिर कल अपना तत्काल टिकट काट लेगा, कल काटेगा तो एक दिन पहले करता है, 29-30 तारीख 30 तारीख को निकलेगा। आप बताइए, आप आज एडमिट कार्ड नहीं दिए, आप मान लीजिए कल दीजिएगा, मान लीजिए कल देते हैं तो तत्काल टिकट कब काटेगा, कब पहुँचेगा? झारखंड आने में कहीं से भी जाइएगा तो 1.5 दिन तो लग ही जाता है, 1-1.5 दिन बताइए, 1-1.5 दिन लग ही जाता है कोई भी जगह से। देखिए फ़ोन इतना आ रहा, क्या बताएं, मतलब ठीक है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है छात्रों का, क्या बताएं उसमें। मेरा जो जहाँ से पूछते थे वो अभी लीव पे दोस्तों, उसका कोई घर पे एक्सपायर किया हुआ है तो 1 सप्ताह से लीव पे है, और अभी लीव पे ही रहेगा वो, रक्षाबंधन के बाद ही जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो पता नहीं चल रहा है, जे एस एस सी ऑफिस इतना बार फ़ोन लगाया है, हमें लगता है कि 1-1.5 घंटा ऊपर ट्राई किए होंगे, हमेशा नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है, या फिर जब रिंग होता है तो उठाता ही नहीं है। आखिर पता कैसे करें बताइए? रांची में रहते तो जाके पता कर लेते सामने से, वहाँ पे है नहीं, या कुछ छात्र जाके पता कीजिए फिर, आखिर क्या माजरा है भाई? आखिर नोटिस क्यों नहीं निकाल रहा है? आखिर एडमिट कार्ड क्यों नहीं दे रहा है? क्या मतलब चाहते क्या है, मतलब आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए दोस्तों, 2 सितंबर का एग्ज़ाम डेट बोल के चुपचाप लगा दिया है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मतलब केयरलेस टाइप का है, हमारा झारखंड कितना आगे बढ़ सकता है, सोचिए। कुछ नहीं हो सकता झारखंड का, ठीक है। जैसा रवैया है ना, जैसा बर्बाद किया हुआ है, सारे के सारे लोग ने निकम्मे टाइप के लोग बैठे हुए झारखंड में, कोई काम करने वाला नहीं है ढंग से, मतलब एक काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं इन लोगों को, बताइए ना। एक तो एग्ज़ाम अभी तो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा था, कम से 2 महीना एक्टिव हो जाइए भैया, जे एस एस सी जितना भी है, जे एस एस सी जे पी एस सी जो भी जितने भी कैंडिडेट मतलब जो अंदर काम करते जो भी अधिकारी लोग हैं, साल एग्ज़ाम तो लेना नहीं, 4-5 साल आराम से तो एसी में बैठ के हवा खाने का काम करते हैं, कम से 2-3 महीना तो एक्टिव होकर कम से कम बढ़िया से काम कर लीजिए ना। एग्ज़ाम अभी नहीं भी लेना है तो कम से कम नोटिस तो निकाल दीजिए कि अभी एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, 15 तारीख के बाद होगा, 10 तारीख के बाद हो, जो भी होगा। आपने तो 2 दिन पहले नोटिस निकाल के तो और लोगों को ये कर दिया कि कॉन्फिडेंस कर दिया कि एग्ज़ाम तो हो ही रहा था 2 सितंबर से। हालांकि कुछ कमेंट, कुछ भाई लोग का देखते कमेंट आता उल्टा पलटा कमेंट कि भाई क्यों करवा रहे हो, एग्ज़ाम अभी नहीं हो, 10 तारीख के बाद होगा, वो अपने आप मान लेता है 10 तारीख, कैसे मान ले भाई 10 तारीख है, जब नोटिस खुद निकाला 2 दिन पहले। जब नोटिस पढ़िए, आप अनपढ़ तो नहीं है ना, आप पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे, आप बेवकूफ़ इंसान टाइप बात करते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है 2 तारीख से स्टार्ट, मतलब 2 तारीख से स्टार्ट है, 2 तारीख को लेगा, बाकी बाद में लेगा कि नहीं लेगा गारंटी नहीं, लेकिन 2 तारीख का स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसका मतलब तो ये है था। एग्ज़ाम सेंटर भी बोल दिया है कि 5 जगह देना है, फिर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इंतजार करके हम भी परेशान हैं आज कि अब देगा, फ़ोन करके परेशान है, फ़ोन नहीं उठा रहा है कोई, फ़ोन न लग रहा है, छात्र अलग से मैसेज कर रहा है कि क्या होगा, एडमिट कार्ड नहीं आए, कैसे आए। बहुत सारे छात्र हैं जॉब करता है बाहर में भाई, तमिलनाडु में जॉब कर रहा है, कोई कर्नाटक में जॉब कर रहा है, कैसे आएगा वो एग्ज़ाम देने के लिए बताए? मान लीजिए 2 तारीख एग्जाम, उसका एग्ज़ाम दे ही देता है मान लीजिए, तो कैसे आ पाएगा फिर वो? उसका एक ही ऑप्शन बचता है, फ्लाइट सबके पास की बात नहीं होता है ना, अधिकारी लोग समझिए इस बात को, समझे ना आप लोग, जैसा नहीं है कि बैठल बैठल आ रहा है दिल्ली का लाखों करोड़ों रुपया, ठीक है, वो अच्छा हो रहा है, जो छापा पड़ रहा है हर जगह, बहुत अच्छा कर रहा है झारखंड में। मोदी सरकार को ये बोलेंगे जितने भी विधायक मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी लोग हैं, सभी के घर में रेट डालिए तो, और सारे को धुन धुन का इतना मतलब क्या बताया, तो जो प्रॉपर्टी निकल रहा है ना सीज कीजिए, और झारखंड के गरीबों में दान कीजिए उसको, या ऐसा जगह यूज कीजिए जहाँ लोगों को भला हो सके। इन लोग बैठ के झारखंड में ना बैठ के यही सब इन लोग आदत लग गया है, काम वाम करना नहीं है, बस इन लोग बस हराम का खाने के लिए सीख गया सब, वहाँ के अधिकारी लोग जितना भी है, जितना भी मैक्सिमम लोग है सब वही काम कर रहे हैं झारखंड में, अब कोई कुछ नहीं है, बताइए ना, मतलब कितना गुस्सा वाली बात है भाई, क्यों ना गुस्सा हुआ आदमी, एडमिट कार्ड बोल के अब एडमिट कार्ड नहीं दे, 4 दिन कितना 28 तारीख 29 30 31 एक
चार दिन पूरा पूरा बचा हुआ है, 2 तारीख तो एग्ज़ाम है। नहीं भी लेना है तो कम से डेट तो निकाल दीजिए, कभी नहीं होगा एग्ज़ाम। बस छात्र टेंशन फ्री हो जाएगा, कम से रेस्ट तो करेगा ना। तो आप छात्र को ना इधर छोड़े ना उधर का छोड़े, करेगा तो करेगा। एक तो एग्ज़ाम नहीं ले पाते ढंग से, एक तो सीट भेज देते हैं हराम खोर टाइप का लोग आप लोग हैं, पेपर आउट करवा देते हैं, कैंसिल लीक करवा देते हैं। क्या क्या होगा बताइए ना, मतलब क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है मतलब, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अत्यंत मतलब दुखद समाचार झारखंड के लिए, सच बता रहे दोस्तों। आखिर छात्र क्या करें, यही लोग छात्र मान ले कल जाकर बड़ा अफसर बन जाएगा तो क्या करेगा इन लोग, जानता है कि झारखंड का रवैया क्या है, उन लोग इस तरह करना शुरू कर देगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है ना। देखिए अभी तक तो नहीं आया, फिर भी एक बार चेक कर ले रहे मोबाइल में, देखते हैं कुछ डाला तो नहीं ना। अब छात्र लोग क्या बताएं उसको, फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है, मैसेज पर मैसेज कर रहा है, आपको जानकारी रहता हो तो बता दें। नहीं आया अभी तक कोई अपडेट एडमिट कार्ड से लेके, बताइए अब क्या करें, अभी अब क्या बताएं बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं, अब मतलब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मतलब, ले या ना ले, ना ले लेगा ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं लेगा ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले नोटिस निकाल दिया है, ठीक है। अब कारण क्या है, भूल जाता है या उसको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम लेना भी है, कि भूल गया कि क्या किया पता नहीं चलता है। अब 2 दिन के परसों तो फिर रक्षाबंधन, फिर छुट्टी हो जाएगा उस दिन का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कल नहीं दिया तो फिर क्या करें, देखते हैं कल देता है तो ठीक है, और तो फिर पता नहीं, अभी भगवान भरोसा चल रहा है, चलने दीजिए सबको, कुछ नहीं होगा, सब हराम को खाने सीख गया है, खाने दीजिए दोस्तों, ऊपर वाला सबका बदला लेगा, ठीक है ना। JPSC का पेपर आउट करा दिया था, वो मार्कशीट गायब हो गया था, अध्यक्ष से पूछा जा रहा था कि सर क्या है, तो बोलता था मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, देखेंगे आप लोग न्यूज, ठीक है। यही इसीलिए मुस्कुराने बोल रहा था कि पेपर बेच दिया था वो मार्कशीट रूम से गायब हो जाता है आप लोग का, ठीक है। तो ऊपर उठाएगा, जल्दी उठाए भी नहीं करेगा उस आदमी लोग को, ने क्या करेगा, भगवान से मनाते हैं ऐसे 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 लोग को, गद्दार टाइप के जो लोग होते, जो हराम खोर टाइप का जो होते, जो परेशान किया हुआ छात्रों को, गरीब लोग को, वैसे लोग को जल्दी जल्दी उठा ले, वही ठीक रहेगा उन लोगों को ना। कलंक है एक तरह से भाई, ये कलंक है झारखंड के लिए इन लोग, मतलब यार सब कहाँ से कहाँ बढ़े जा रहे हैं झारखंड पता नहीं, और पीछे मतलब इतना लेट लतीफ कम, इन लोग लगता है कि इन लोगों का लगता है ना कि देंगे देखा जाएगा जब। अरे भैया छात्र पूरा सीरियस तरीके से लेता है इसको भाई, एग्ज़ाम आप लेते नहीं कभी, आप इसी से सोचिए ना, 4 साल के बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, 5 साल के बाद, तो छात्र इसको सीरियस लिया हुआ है, लेकिन आपको मजाक लगता है, मजाक लगेगा ही, क्योंकि हराम कहाँ आपके पास, कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो समझिए, थोड़ा सुधरिए JSSC, ठीक है, और जो भी है अपना थोड़ा टाइमली कीजिए काम, जो करना है तो, और नहीं भी करना तो वो नोटिस निकाल दीजिए, नहीं करना है, कम से कम छात्र परेशान नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए खैर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी तक कुछ नहीं, थोड़ा सा गुस्सा भड़ास निकालना था दोस्तों, क्या करते हैं मतलब, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन क्या ही बताएं, थोड़ा सा भी लिमिट है बोलना यहाँ पे, समझे ना। मतलब तो यहाँ के जो नेता लोग और जो अधिकारी लोग जो कर रहे हैं झारखंड में, बहुत ठीक नहीं कर रहे हैं इन लोग, सारे के सारे एक हैं, कोई ढंग के नहीं है, बता रहे ना, सबको पैसा का चिंता पड़ा है, कैसा पैसा कमाना है, कैसे अपना फ्यूचर बचाना है, और कैसे अपने बाल बच्चा को करियर बनाना है, वैसे घंटा नहीं करियर बनता है बाल बच्चे को, याद रखिएगा, हराम का पैसा हराम ही चला जाता है, ठीक है। थोड़ा कड़वा बोली बोल रहे हैं, कारण है इसके पीछे, आप लोग समझिए छात्रों को, पैसा उन लोग खाने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो जो तैयारी अभी भी कर रहा है, इतना मेहनत दिन रात कर रहा है उन लोग, अभी उन लोग को मान ली जो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया था उस टाइम ले लिया रहता तो कितना चमाले चोरी नहीं कराए रहते, तो कितना चम लोग जब भी नौकरी कर रहा होता, अभी पैसा कमा रहा होता, लेकिन आप लोग की कमी की वजह से झूठ मूठ का एजेंसी का नाम लगा देते हैं कि एजेंसी ने ऐसे किया, अभी तक प्रूफ निकल के नहीं आया, ठीक है। एजेंसी चाहेगा तो हो जाएगा, मतलब पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम था फिर ऑनलाइन इसको कर दिए अचानक सा, तो एजेंसी करवा रहा है ये चीज़, पूरा पूरी जाँच होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि झारखंड जितने लोग जहाँ जहाँ है सबके पर रेड मारिए, अभी सबका खजाना निकालिए, तो जैसे निकल रहा है अभी करोड़ों रुपये इसका घर जाता, हर किसी के घर जा रहा है 200 करोड़ रुपये निकल रहा है, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया मतलब निकल रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो जांच कराइए, ऐसे अधिकारी लोग पे भी करवाइए इन लोग, ठीक है। बैठे बैठे जो खाने का सीख गया ना हराम का, वही बात है, ठीक है, कराइए जाँच वगैरह पूरा बढ़िया दबाव कराइए, तो एकदम मतलब लूटने का तरीका बना लिया है, ढाबा समझ लिया अली बाबा का झारखंड को सब इन लोग, एग्ज़ाम नहीं लेने बैठ के फिर घुसखोरी ला पैसा खाए जा रहे हैं, किस चीज़ का पैसा लेता है इन लोग, भाई हटा दो भाई, जैसे चीज़ हटाइए तो पूरा बोर्ड हटा दो, ना एग्ज़ाम होगा ना फिर टेंशन ही होगा किसी को, संस्था भी हटा दो पूरा, जला फेंक दो उधर,
चलेगा अपना सेंटर तरफ से चलेगा काम या फिर कोर्ट तरफ से चलेगा, ये सब से बैठनेस को मतलब नहीं। हराम का पैसा क्यों जा रहा भाई, वहाँ कितना सारे लोग स्टाफ कर रहे, कितने लोग अधिकारी काम कर रहे हैं, सबको तो पैसा देता होगा ना सरकार, तो क्यों दे रहा है फिर? इसलिए थोड़ी दे रहा है कि आप लोग बैठ के खाइए, अच्छा तो परेशान कीजिए। बहुत मतलब गलत, मतलब बहुत गंदा दयनीय स्थिति है झारखंड का यार, मैं इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खैर चलिए ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, बस इतना जानिए, काफ़ी मतलब गुस्से में, मतलब क्या बोलते हैं गुस्से में, मतलब फ़ोन जब लगा रहे उठा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कहीं से, कहाँ से पता करें बताइए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग समझिए, मजबूरी है मेरा भी, रातें वहाँ पे तो जाके कर लेते हैं, अभी समय मिला 6 बजे वहाँ आए रूम, समय मिला तभी जाकर वीडियो बनाए, फिर देखें कुछ अपडेट आया वो डाल देंगे, नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। खैर चलिए जो भी, अब देखा जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, बस हाथ में आपके और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस हम लोग यही कर सकते हैं कि जाकर देख सकते हैं जैसे सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया कि नहीं आया, तो ठीक है, नहीं आया तो चुपचाप बंद कर देंगे, यही हम लोग कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं बताइए, ठीक है ना। तो चलिए जो भी है देखें, जैसा होगा तो बताएंगे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, ठीक है। बाकी क्या ही बोले फिर, आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से।